एवरीवन, आज मैं आपको पेरी पेरी स्मोक्ड फ्राइड चिकन बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 10 पीसेस चिकन के ले लिए हैं, जिसमें मैंने लेग पीस, ब्रेस्ट पीस मिक्स्ड लिया है सब कुछ। आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए मुझे ऑलिव ऑयल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। टोमेटो सॉस 1 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ पेरी पेरी सॉस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने बिरयानी मसाला लिया है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ये ऑप्शनल है बस टेस्ट के लिए। और ये मैंने कुछ कोल लिया है जो मैं बाद में स्मोक के लिए यूज करूंगी। अब मैं पीसेस पे कट लगाऊंगी इस तरह से, सो दैट इसमें मसाला अंदर चला जाए। हमने सॉल्ट पहले नहीं ऐड करा है क्योंकि हमारे बिरयानी मसाला और पेरी पेरी सॉस दोनों में सॉल्ट है, तो एंड में हम टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं मिक्स करके इसमें कोल डालूंगी और मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने कुछ कोल लाइट कर लिया है, इसमें मैं 1-2 ड्रॉप ऑयल के डालूंगी और इसे क्लोज करूंगी। ये स्मोक अंदर हो जाएगा और इट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट, ग्रिल्ड इफेक्ट टू दिस चिकन। ये मैरिनेट करे हुए आधे घंटे हो चुका है, अब मैं इसे चेक करूंगी। ये बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, इसका कोल हटा दिया मैंने। इसमें अब मुझे कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। मैं अब फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल ऐड करूंगी, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अब 2 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इसे पलटूंगी। अब ये मेरा फ्राई हो चुका है और मैं इसे चेक करूंगी। मेरे पास वुडन स्क्यूवर्स है, इसे यूज करके मैं चेक करूंगी। आप चाहे तो इसे फोक से भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आराम से ही अंदर जा रहा है, मतलब ये फ्राई हो चुका है। पहले मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ।